जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कि चाइना गलवान से पीछे 40,000 फौज क्यों बुला के रखा है और वो ठंडी के दिन में क्या प्लान बना के रखा है और पाकिस्तान क्यों साइलेंट में बैठा हुआ है। साथ ही हम लोग जो हेलिना मिसाइल है, जो नामिका है, जो मैगलेव है, इसके जगह पे जो वर्रास्त्र लाया गया है, उस हथियार की चर्चा करते हैं। साथ ही जो अमेरिका ने ह्यूस्टन में चाइना की कॉन्सुलेट को बंद कर दिया है, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करते हैं। देखिए, जो पैंगसो लेक वाला एरिया है, यहाँ से जो फिंगर वाला एरिया, पहाड़ को देखिए तो यहां उठा हुआ है या नीचे हुआ है, तो ये फिंगर वाले एरिया से अभी भी चाइना पीछे नहीं हटा है। और जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट बता रही है, वो फिंगर फोर के पीछे जो एरिया है, उस एरिया में चाइनीज सैनिकों का जमावड़ा बढ़ते जा रहा है। और चाइना क्या चाहता है कि इंडिया को इधर उलझा के रखे और ठंडी के दिन में हम लोग कोई उधर से एक्शन लेंगे। देखिए, ठंड के दिन में क्या होता है कि इस एरिया में बर्फबारी ज्यादा होने लगती है, तो चाइना को लगता है कि वो इंडियन सैनिकों को इस एरिया में घेर लेंगे ठंड के दिन में। आप इसको एक और तरह से देख सकते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल चुप है, वो किसी तरह की कार्रवाई अभी नहीं कर रहा है बॉर्डर पे। इससे यह साफ जाहिर होता है कि ठंड के दिन में वो कुछ ना कुछ इस एरिया में नया जरूर करेंगे। इसलिए भारत को भी सतर्क रहना चाहिए, अपनी सैनिकों को अभी से इस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो खास करके कश्मीर, लद्दाख, कुमायूं, इस ये जो है, ये ठंड के एरिया में इनको काफी ज्यादा अनुभव है लड़ने का, और तो इसलिए उनको भी ट्रेनिंग देके रेडी रखना चाहिए कि ठंड के दिन में कुछ भी हो तो हम इसका जवाब दे सके। देखिए, जो टैंक होते हैं, ये इनकी शक्ति बहुत खतरनाक होती है। अगर इन पे आप बम मारेंगे ना, तो बम कोई ऐसे झाड़ देता है, कहता है इसे बम मारता है, तो इसके लिए हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक आते हैं। तो इनको पहले मारने के लिए ना, एक मैकेनिकली कंट्रोल एक लॉन्चर होता था, मैगलेव मिसाइल होते थे, इनको क्या किया जाता था, इसे लॉन्च किया जाता था, और इसमें देखेंगे तो इसमें एक वायर लगा होता था। जैसे ये जाता था तो इसके पीछे वायर जाता था और एक जॉयस्टिक की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता था और ये जाके इसे मारता था। 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर इसकी रेंज होती थी, लेकिन इसकी खराबी क्या रहती थी कि जहां से ये फायर किए हैं तो वो इसकी लोकेशन आराम से पता चल जाती थी कि फायर कहां से आया है। तो आप एक फायर तो मार दिए तो एक टैंक टूट गया, लेकिन दूसरा टैंक उसी रास्ते पर मार देता था तो जो आपका फायर करने वाला जो गनमैन है वो भी मर जाता था। तो ये बड़ी खराब पोजीशन थी। तो इसको हटाकर एडवांस का एंटी टैंक मिसाइल लाया गया, जिसमें भारत ने भी अपना एंटी टैंक मिसाइल बनाया, जिसका नाम रखा नाग। नाग मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया था। इसमें क्या था, इसका अपना सीकर लगा हुआ था। सीकर का मतलब था सीक कर लेना, खोज लेने वाला। इसके मुंह पे सीकर लगा होता है, अपने से खोज लेता है। जो इस नाग मिसाइल को ले जाने वाला वाहन है, जो व्हीकल है, उसका नाम है नामिका। अब इसमें क्या फायदा होता है, इसका खुद का सीकर है, तो आप इसको टैंक पे मार दीजिएगा तो अब आपको टेंशन थोड़ी लेना है, उसको गाइड थोड़ी करना है कि हां दाहिने जाओ बाएं जाओ। अब क्या है कि वो जाके खुद ही इस टैंक को मार देगा। इसमें हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक है, इसीलिए इसको कहते हैं फायर, यानी चला दो, फॉरगेट, भूल जाओ, कि दागो और भूल जाओ, यानी दाग दिए मिसाइल, अब भूल जाओ, जाके मार देगा। इसमें क्या था, मिसाइल दागो, अब उसके बाद कंट्रोल करो। इसलिए नाग मिसाइल को फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहते हैं। ये अक्सर आता है कि कौन सी मिसाइल को दागो और भूल जाओ मिसाइल कहते हैं। अब इसका जो वाहन है वो है नामिका। नामिका जो है वो एक, इसका भी चेन सिस्टम पर इसको लगाया गया है। ये क्या होता है, जैसा ये काफी मजबूत होता है और स्पेस से आप लॉन्च कर सकते हैं इस नाग मिसाइल को। लेकिन ये जो नाग मिसाइल है, इसे नामिका से जब लॉन्च किया गया तो एक चीज समस्या समझी गई कि मान लीजिए कोई टैंक है वो गड्ढे में है और आप ऊंचाई पे, आप थोड़ा सा भी गड्ढा है तो उसमें टैंक छुप जाता है, तो और बराबर की जमीन से आप ज्यादा दूर तक देख नहीं सकते हैं। तो वैज्ञानिक ने दिमाग लगाया डीआरडीओ के कि क्यों ना हम इस नाग मिसाइल को हेलीकॉप्टर में फिट कर दें। तो हेलीकॉप्टर हाइट पे होता है, वो आराम से देख सकता है कहां पर है। तो क्या किया गया, हेलीकॉप्टर पर नाग मिसाइल को जोड़ दिया गया। तो उसी को कहा गया हेली, हेली मतलब हेलीकॉप्टर, नाग मतलब ना, तो हेलिना मिसाइल बना दिया गया। हेलिना मिसाइल को हेलीकॉप्टर के हार्ड पॉइंट में फिट कर दिया जाता है, उसके बाद इसे लॉन्च कर दिया जाता है टैंक के ऊपर। ये टैंक काफी घातक होते हैं, इसमें एक तो इसका ऑपरेटर होता है जो इस टैंक को चलाता है, बेसिकली इसे 3 से 4 लोग चलाते हैं। टैंक जब पढ़ाएंगे तो आपको टैंक के बारे में A to Z डिटेल बताएंगे। लोगों को लगता है कि टैंक में इतने चक्के हैं सब चलते होंगे, भाई ये केवल डगरते हैं सब, मेन पावर इसके लास्ट चक्के में होता है, वहीं पे इंजन होता है पीछे, और बाकी इसको इस पे फ्लैट करने के लिए दिया जाता है ताकि एरिया बढ़ जाए और धंसे नहीं। तो ये इसको क्या करता है, ये हार्ड पॉइंट से इस पर हमला कर सकता है। इसमें दिन और रात दोनों में क्या होता है, ये देख सकता है, दिन में देख सकता है, रात में भी इंफ्रारेड से देख सकता है, इसलिए इससे छुपना बड़ा मुश्किल है। ये दो तरह से हमला करता है, एक डायरेक्ट हमला कर सकता है हेलिना मिसाइल, और एक जो होता है वो डायरेक्ट हमला ना करके ऐसे करता है, फिर ऊपर से जाके मिसाइल हिट करती है। इससे फायदा क्या होता है कि टैंक्स के जो साइड के पोर्शन होते हैं ना, ये काफी मजबूत बनाए जाते हैं,
एक्सप्लोसिव को झेल लेते हैं, और वही जो ऊपर से ऐसे आके मारता है ना, तो ऊपर का आर्मर उतना मजबूत नहीं होता है और पूरी तरह से टैंक को ब्लास्ट कर देता है। साथ ही इसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च करने से एक और फायदा क्या होता है, इसे लेजर गाइडेड कर सकते हैं, यानी आप इस मिसाइल को छोड़ दीजिए और जो पायलट है वो एक लेजर बीम निकालेगा और वो लेजर बीम उस टैंक के ऊपर चला जाएगा। अब वो लेजर बीम इस टैंक के ऊपर चला गया तो ये मिसाइल जो है वो उस लेजर को ढूंढते हुए आएगी, ना कि टैंक को। अब पायलट वहां से लेजर बीम उसी पे लगाए रहेगा, उसी को लॉक करके छोड़ देगा। अब टैंक भागते भी रहेंगी तो लेजर अपने से घूम जाएगा और उस लेजर को ढूंढते हुए ये मिसाइल आके उसको हिट कर देगा। हेलिना मिसाइल जो है इसकी रेंज जो थी वो लगभग 3 से 4 किलोमीटर थी, इसे और बढ़ाकर लगभग 7 किलोमीटर का रेंज किया गया है। तो इसी हेलिना मिसाइल का एडवांस जो वर्जन है वो ध्रुव अस्त्र मिसाइल है, इसे रुद्र हेलीकॉप्टर और ध्रुव हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इसके अलावा एक और डीआरडीओ ने समस्या देखा कि देखिए हम हेलीकॉप्टर से तो मार सकते हैं जहां खुला एरिया है, हम नामिका पे भी लगा के मार सकते हैं, नामिका एक टैंक के शक्ल का खुद होता है। तो डीआरडीओ ने सोचा कि क्यों ना हम इसको मैन पोर्टेबल बना देते हैं आदमी के कंधे पर। तो मैन पोर्टेबल बना दिया गया इसे, और इसका लगभग 14 से 15 kg वेट है। अब ये एक आदमी इसे लेके नहीं चला सकता है, भाई 14-15 kg का तो वही रहेगा, तो उसके साथ एक और उसका रहता है जो उसमें लोड कर सकता है। तो वैसे हथियार जिसे एक से ज्यादा लोग चलाते हैं उसे डिटैचमेंट के हथियार कहते हैं, तो ये डिटैचमेंट आ जाएगा इसमें। अब ये क्या है कि छोटे मोटे गली मोहल्ला या फिर जंगल की जो खाई वगैरह होती है उसमें से भी ये लोग जाके और इस पर ये हिट कर सकते हैं। देखिए अमेरिका ने अपने ह्यूस्टन में स्थित चाइना का जो कॉन्सुलेट था उस कॉन्सुलेट को कहा है कि भैया आप 72 घंटे के अंदर यहां से खाली करके जाइए, क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर यह आरोप लगाया है कि वह खुद का कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि उसके मॉडर्ना कंपनी के जो वैक्सीन वगैरह है उसे वो चुराने का काम कर रहा है। और इसको उसने क्या कहा है कि भाई उसने अपनी एम्बेसी जो है वहां पर आग लगाने का काम किया, उसके ऊपर सेटेलाइट इमेज से देखा गया है तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स को जलाए जा रहे थे, इसलिए उसने कहा कि भैया आप यहां की कॉन्सुलेट को खाली करके चलिए। ये वही ह्यूस्टन है जहां सितंबर में मोदी जी गए थे पिछले साल, जहां हाउडी मोदी का कार्यक्रम किया गया था एनआरजी स्टेडियम जो फुटबॉल का स्टेडियम था, जिसमें लगभग 50,000 लोग वहां पर आए थे। आप सुने होंगे हाउडी मोदी का जो कार्यक्रम था, उसी के बदले हम लोगों ने नमस्ते ट्रंप को किया था गुजरात में अहमदाबाद में। तो यहां पर कॉन्सुलेट को चाइना को बंद कर दिया गया। चाइना ने कहा है कि भैया ये बहुत भेदभावपूर्ण है, चाइना के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि भाई वियना कन्वेंशन के आधार पर अगर किसी भी राजदूत या कॉन्सुलेट को हम लोग विशेष शक्ति देते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो स्पाइंग यानी जासूसी का काम करेगा तो हम उसे खाली करा सकते हैं, इसी आधार पर खाली करा दिया गया है। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना भी कह देगा अमेरिका के कॉन्सुलेट को आप भी चले जाइए। तो देखिए यूएस में जो है ना चुनाव होने वाले हैं नवंबर में। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास बहुत कुछ है नहीं चुनाव में कहने के लिए, क्योंकि कोरोना के वजह से इनकी पूरी के अब देखते हैं सबसे बड़ा कोरोना पीड़ित अमेरिका हो गया है, और व्यापार भी बहुत ज्यादा ये नहीं ले जा पाए डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वहां की जो जनता है अमेरिका की वो पूरी तरह से चाइना के खिलाफ है, इसलिए चाइना के खिलाफ बड़ा बड़ा एक्शन लेना चाहते हैं। अब अमेरिका और चाइना में अगर ये एम्बेसी का वार्तालाप टूट जाएगा तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका जो है अब एशिया में, अब तो पाकिस्तान भी उसका साथी नहीं रह गया, चाइना भी नहीं रहा, तो वो इंडिया को ज्यादा प्रीफर करेगा, और जो अमेरिका की कंपनी चाइना है वो चाइना से भागेंगी तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उसे हम इंडिया में ले आ सके। देखिए ये एम्बेसी और हाई कमीशन में क्या अंतर होते हैं, जिसे उच्चायुक्त या राजदूत कहते हैं, कॉन्सुलेट भी अलग होते हैं, डिप्लोमेट क्या चीज होते हैं सब, वीजा क्या होता है, वियना कन्वेंशन क्या होता है, ये सब के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप उसे जरूर देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।